नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज और मैं हूं प्रियांक सौरभ। दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, जिनसे हम करेंगे आईएएस के बारे में खास चर्चा। जी हां, पटना धे आईएएस के डायरेक्टर डॉक्टर प्रियव्रत कुमार हमारे साथ आज मौजूद हैं और उनसे करेंगे हम आईएएस को लेकर खास चर्चा। नमस्कार डॉक्टर साहब, और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आईएएस को लेकर। हम लोग चर्चा करने वाले हैं बिहार और पूरे देश भर के जो युवा होते हैं वो आईएएस के प्रति उनका एक सपना होता है कि वो भी आईएएस बने, और बहुत तरह की बातें उनके अंदर चलती रहती है कि आईएएस कैसे बने, क्या होता है आईएएस, कैसे इसकी तैयारी की जा सकती है। तो आज हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे डॉक्टर प्रियव्रत कुमार के साथ, जो धे आईएएस के डायरेक्टर हैं। तो हाउ कैन आई प्रिपेयर फॉर आईएएस आफ्टर ग्रेजुएशन? यूपीएससी की तैयारी में आप एक अच्छी संस्था के सलाह से चलें और कंटिन्यू पढ़ाई करें। इसमें प्रिकॉशन है, सही गाइडलाइन, सेक्रेसी, दो चीज़ को अगर अपना लेते हैं, इस पर कायम है तो यूपीएससी होना तय है। और सेशन यही है, तैयारी जिस दिन से शुरू करें जब तक आपका रिजल्ट आ नहीं जाता है, इस बीच में छोटे बड़े कोई भी इम्पोर्टेंट काम आपके घर परिवार में आते हैं उसको भूल जाइए, क्योंकि गैपिंग देने से आपकी मेहनत बेकार होगी और फिर आगे मेहनत करते रहना होगा। तो एक ही काम के लिए बार बार मेहनत करने से भी लोग उब जाते हैं, तो इसको ध्यान में रख करके ये देखिए कि जिस चीज़ की मैं तैयारी शुरू किया उसको जब तक एंड नहीं कर लेता हूँ तब तक दूसरा कुछ नहीं करूँगा, तो शायद एक से डेढ़ साल बहुत है। और ये बात जरूर बताऊँगा कि आप बचपन से पेपर पत्रिका जरूर पढ़ें, पेपर पत्रिका पढ़ने से जीके की तैयारी में आपको काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि जीके जीएस के साथ आपके लिए बर्डन ना बन जाए। इसके लिए शुरू से अगर पेपर पत्रिका पढ़ेंगे तो शायद बाद में जीके की तैयारी कुछ करने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। यूपीएससी एक ऐसी चीज़ है जिसकी तैयारी में बड़ा रोचक होती है। पहले तो क्लास 6 से लेकर के 10th तक का सिलेबस इसके अंदर होता है, जो आप पहले से पढ़ चुके, आपके लिए कुछ नया नहीं रहेगा। एक दूसरा चीज, मेडिकल इंजीनियरिंग की कोचिंग जब कभी करने गए होंगे ना तो क्लास में बहुत दिन लगेगा, आज का क्लास नहीं ही समझे, लेकिन यूपीएससी की कोचिंग का कोई क्लास ऐसा नहीं लगेगा कि आज नहीं समझे। अच्छा, तो क्लास तो समझ ही रहे हैं हम, सिलेबस देखा हुआ है, कोई नया चीज है नहीं। थोड़ा साइंस वगैरह मैथ भी जो पूछेगा वो मैट्रिक लेवल से ही पूछेगा, उससे ज्यादा पूछता नहीं है, ठीक है। तो वो आप सिलेबस को भी पहले से जान रहे हैं, सब्जेक्ट समझने में कोई कठिनाई है ही नहीं, तो ये बात जरूर है कि फिर लोग कम्पीट क्यों नहीं करते हैं भाई। तो इसका जड़ पढ़ाई में नहीं है, कुछ अलग है जो माहौल बना हुआ है मार्केट में कि यूपीएससी बहुत भारी है, उसका कारण यही है कि तैयारी की जो रूपरेखा यहाँ लोग अपना लेते हैं, पढ़ने का 100% तो 200% पढ़ते हैं, लेकिन उसमें 50% ही उनका सिलेबस रहता है। अब भला 50% सिलेबस से उनकी सफलता तो आएगी नहीं, इसलिए ध्यान इस बात का दें हम टू दी पॉइंट पढ़ें, और सिलेबस का कॉन्फ़िगरेशन जब तक पहले अपने दिमाग में ना लें तब तक तैयारी करना मुश्किल है। तो सिलेबस का कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। धन्यवाद, मैं प्रियांक सर, आप देख रहे थे बिहार।